हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ हाई प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन आलू की सब्जी। ये इतनी टेस्टी और लाजवाब बनती है कि एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिना कोई ताम झाम के घर के ही मसालों से बहुत ही टेस्टी और मजे की बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 कप सोया बरी ले ली हूँ, जिसे हम सोया चंक्स भी कहते हैं। इसमें बहुत ही हाई रिच प्रोटीन होता है। तो चलिए अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने पहले ही 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बढ़िया से गर्म हो गया है। तो अब इसमें यह सोया चंक्स डाल देंगे और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक डालने से यह फीका फीका नहीं लगेगा, यह अंदर तक अच्छे से नमकीन हो जाएगा। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने से ना एक तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और दूसरा इसमें का जो स्मेल होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर देखिए सोया बरी को हमने 3 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सोया बरी अपने साइज से डबल हो गए हैं। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे निकालने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें का जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना उसे हम वापस से निचोड़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए सोया बरी हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अब इसमें का जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसे हम इस तरह से निचोड़ के निकाल लेंगे और इसे हम एक दूसरा बाउल में रखेंगे। तो इसी तरह से इसमें का सारा पानी निचोड़ते हुए इसे हम एक अलग बाउल में रख लेंगे। तो लीजिए सारे सोया बरी में से हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल ली है और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 आलू, जिसे हमने छील के इस तरह से इसका पीसेस कट कर लिया है। तो आप चाहे तो इसे सिर्फ सोया बरी से भी बना सकते हैं। अब गैस के ऊपर इस तरह से एक पैन या कड़ाही रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच तेल। तो मैं यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी कोकोनट खाते हैं ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें ये सोया बरी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सोया बरी को फ्राई करने से ना इसका जो टेस्ट है ना और भी इन्हेंस होता है। वैसे आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी सोया बरी को बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सोया बरी को हमने अच्छे से फ्राई कर ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हल्का हल्का इस तरह से कलर चेंज हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसे हमें फ्राई नहीं करना है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे निकालने के बाद सेम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और गर्म करेंगे और इसमें आलू डाल के इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वैसे आप चाहे तो आलू को बिना फ्राई के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्राई करने से ना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर देखिए आलू को हमने फ्राई कर ली है। तो बस अब इसे भी हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अगर आज की रेसिपी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आलू को भी हमने निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और डालेंगे और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना तो इसमें हम डाल देंगे ये साबुत गर्म मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 लौंग, 1 तेजपत्ता, ½ चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा सा दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। अब ये सारे साबुत गरम मसाले को तेल में डाल देंगे और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये हल्का सा फ्राई हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये 2 छोटे साइज की इस तरह से लंबाई में कटी हुई प्याज और प्याज को हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज को जलाना नहीं है। जब इस तरह से प्याज में हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए उतना ही भर इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो प्याज देखिए बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गया है, हमें इतना ही इसे फ्राई करना था। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसकी जगह अदरक लहसुन का फाइन पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 1 टमाटर, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। आप इसकी जगह टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें ½ छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए टमाटर को पकाते हुए अभी 1 से 1.5 मिनट ही हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर कितना बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो इसमें हम डालेंगे ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और ½ छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। ½ छोटा चम्मच इसमें हम जीरा पाउडर डाल देंगे और 1/4 छोटी चम्मच इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब सब्जी में कलर बढ़िया आए इसके लिए इसमें हम डाल देंगे ½ छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा कम होती है, इससे सब्जी में बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। वैसे आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे और मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इस सब्जी को बनाने में कोई भी तामझाम नहीं है, घर के ही मसालों से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से भून चुका है और इसने अपना तेल छोड़ दिया है। तो अब इसमें फ्राई किया हुआ ये सोया चंक्स ऐड कर देंगे और साथ ही में ये आलू ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। अब ये सारे चीज़ों को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इसे देख के ये सब्जी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। फ्रेंड्स आपको फिर से याद दिला दूँ, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हम 1.5 कप गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने से ना ये सब्जी जल्दी पक जाती है और इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुकती नहीं है। अगर आप इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ना तो इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाती है और सब्जी पकने में थोड़ा सा टाइम लगती है। लेकिन क्योंकि ये सोया चंक्स की सब्जी है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हमने इसमें आलू भी डाला है तो आलू को गलाने तक हमें पका लेनी है। तो इसमें हमने पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब इसे हम ढक देंगे और इसे ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे, या फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू अच्छे से पक नहीं जाता। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसे पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है। बीच में मैंने इसे 1-2 बार चला लिया था। और यहाँ पर देखिए सब्जी बहुत ही बढ़िया से पक गई है। मैं इसका आलू चेक कराती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए फ्रेंड्स इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है नॉनवेज की तरह जायकेदार बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाली सोयाबीन आलू की सब्जी। तो इस सोयाबीन आलू की सब्जी को फ्रेंड्स एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप रोटी चावल पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपना फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।